अभी मैं जा रहा हूँ प्रेविया बीच पे। तो हाँ, अभी पहुँचा हूँ प्रेविया बीच पे, क्योंकि वो एक मेन रोड दिख रहा है और लोग आ रहे हैं जैसे। तो मैं अभी प्रेविया बीच पे तकरीबन पहुँच चुका हूँ। अब जब भी कभी नॉर्थ में आते हैं यहाँ पर लाजमी आए। और ये बीच बहुत ही प्यारी है, छोटी है लेकिन बहुत प्यारी है। मैं नॉर्थ में जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं लाजमी यहाँ पर आता हूँ प्रेविया बीच में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं आता हूँ यहाँ पर। तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाऊँगा। थोड़ा ढूंढना पड़ा लेकिन मिल गई। चिंदुओं के यहाँ पे घर हैं, यहाँ प्रॉपर्टी है भाई, बहुत फायदे में है। यहाँ आप किसी विले में रुकते हो, यहाँ किसी एक दो दिन के लिए भी रुकते हो तो आपको काफ़ी पैसे मतलब के देने पड़ते हैं। अभी मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ छोटा सा है, मतलब कि विला टाइप है, विला ही आप कह सकते हो, लेकिन वहाँ पे खाना दे रहे हैं, मतलब कि हाफ बोर्ड है, ब्रेकफास्ट दे रहे हैं और डिनर दे रहे हैं। बकाया लंच आप बाहर से कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा है, प्यारा है, एक स्विमिंग पूल है। लेकिन मैं वहाँ पे तो नहीं रुका, सिर्फ रात रहने के लिए रुक रहा हूँ, नहीं तो मैं इधर उधर ही घूम रहा हूँ। तो बीच पर आ चुके हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये प्रेविया बीच। ये वैसे मुझे मेरी क्या बोलते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है यही बीच है। तो बहुत देर, ये जो उस टाइम थोड़ा रेडी हो रहा था तो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। वहाँ से एंटर होता हूँ, क्योंकि वहाँ से एंटर होते ही आप लोगों को सब दिखाता हूँ। तो अभी तो मतलब के लोग आना जमा होंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। देखो बहुत, अभी से ही बहुत ज़्यादा रश है। अभी इतना टाइम नहीं हुआ है लेकिन आज सैटरडे है, सैटरडे में तो आप लोगों को पता ही है। इसका कोई भी दिन हो यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा हैं आपको यहाँ पे रश मिलेगा। तो मैं अभी ये बस जाती है तो क्रॉस करता हूँ। एक बार हम इधर भी एक होटल में नहीं आया था तो आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ। बहुत मुश्किल से ढूंढा है, क्योंकि मैं हम थोड़ा उधर है ना, तो चल के बहुत मुश्किल से ही ढूँढा है। यहाँ पे और थोड़ी देर है, यहाँ पे पार्किंग भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, यहाँ पे ऐसा ही है। ये देखो खाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं ये, और देखो काफ़ी लोग लग रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे साथ रहना। ये बीच बहुत प्यारी है। तो हम ऐसे चलते चलते, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। देखो फैमिलियाँ, मतलब फैमिलियों के साथ लोग आते हैं। देखो काफ़ी रश है, ये सब रोशन लग रहे हैं। देखो काफ़ी रश होगा, अभी तो शुरू होगा, अभी तो थोड़ा इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होगा और थोड़ी देर में। आज वहाँ तक जाऊँगा मैं, पहले अक्सर मैं यहाँ की ही बनाता हूँ तो आज मैं थोड़ा वहाँ तक जाता हूँ।
एक यहाँ पे एक सुबह सुबह वो जो ना बनाता है मूर्ति, तो वो अभी मुझे लगता है आजकल नहीं बना रहा है, नहीं तो लाजमी होती है यहाँ पे वो बनाता है। अभी अच्छा है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया और इतना अभी यहाँ पे मतलब के क्राउड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा कुछ देर तक। ये देखो सब लोग यहाँ पे अभी जमा हो रहे हैं, आएंगे यहाँ बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाएगा। चलो मैं नीचे वहाँ से आता हूँ तो सब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये टूरिस्ट ज़्यादातर टूरिस्ट ही होते हैं इस बीच के ऊपर, तो मतलब कि ठीक है। वहाँ से नीचे जाता हूँ और थोड़ा आप लोगों को दिखाते जाता हूँ, थोड़ा बीच के ऊपर पूरा घूमता हूँ। ये बीच यहाँ का बहुत फेमस है, आप नॉर्थ में जब भी कभी आएँ तो यहाँ आएँ तो आप लोगों को पता चलेगा कैसी है। यहाँ पे तो कभी कभी ऐसा होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। बहुत सारे लोग अंदर हैं और नहा रहे हैं। चलो यहाँ से अंदर जाते हैं। मैं आज पहन के चप्पल आया हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर शूज़ के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं जा सकता हूँ, मैं चप्पल पहन के आया हूँ, पहले मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, तो मैं सोचा वीडियो अच्छे से बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो बहुत साफ़ है यहाँ पे, आपको पत्थर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। देखो लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग पढ़ रहे हैं लेट के। अभी थोड़ा है यहाँ पे, पहले पत्थर वगैरह नहीं होते हैं, आए थोड़े हैं पत्थर, शायद सफाई करने वाली है। ये बीच बहुत प्यारी है भाई, ये जो कोकोनट के ट्री हैं इसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लगती है बीच। देखो हर दूर दूर तक बिलू नजर आ रहा है। वो दूर तक है ये जो है ना, वहाँ तक है। देखो लोग चल के आ रहे हैं, वो देखो लोग वहाँ से तक चल के आ रहे हैं। मैं कभी वहाँ नहीं गया तो मैं जाऊँगा अभी, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो बहुत साफ है यहाँ से। बहुत साफ है, देखो वहाँ पे थोड़ा अभी है, पहले नहीं था ऐसा। तो मैं अभी जाता हूँ वहाँ, थोड़ा देख के आता हूँ वहाँ पे क्या है, मैं कभी नहीं गया हूँ। तो फिर हम मैं जहाँ से जाता हूँ, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोल्ड का मौसम आ चुका है तो वैसे भी रश कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो गर्मी चल रही है। लेकिन ये मौसम देखो, वो फैमिली बैठी है वहाँ पे, रशियन फैमिली है, वो बैठ के सब फैमिली के साथ आए हुए हैं, खाना वाना खा रहे हैं। मैं जाता हूँ अभी वहाँ, वहाँ पत्थरों पे जाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। Yeah!
मैं भी वहाँ जाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ से कितनी साफ है बीच में, देखो मैं जाना है अभी वहाँ, देखते हैं पत्थर हैं शायद, पत्थर हैं, मैं वहाँ कभी नहीं गया जब से मैं आया हूँ यहाँ, बहुत बार आता हूँ लेकिन नहीं जाता हूँ, तो आज मैं देख के आना क्या है वहाँ। मुझे लगता है होटल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। बहुत प्यारी बीच है भाई, देखो साफ है कोई, यहाँ पे तो आपको रॉक वगैरह नजर नहीं आ रही। चप्पल पहन के मैं इसलिए ही आया गया, आप आराम से जा सकते हैं। ये कह रहा चाचा, देखो मैंने प्रेबिया का तो ये चेहरा तो देखा ही नहीं था, प्रेबिया बीच का रॉक भी हैं पत्थर भी हैं यहाँ। तो मैं यहाँ से एक मोबाइल से फ़ोटो लेकर देखता हूँ, अगर अच्छी आती है तो। मोबाइल निकाल रहा हूँ पॉकेट से, तो बाद में देखता हूँ, धूप में नज़र नहीं आ रहा है, तो जाते हैं। मुझे एक और ऐसे ही आज घूमना है सब। होटल में तो मैं सिर्फ खाने के टाइम ही जाऊँगा, ये शायद किसी होटल वगैरह हैं, होटल वगैरह हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। यहाँ पे तो शायद पत्थर ही है, मुझे ऐसे ही आना हुआ मेरा यहाँ। हाँ यहाँ पे दूसरे होटल्स वगैरह शुरू हो जाता है। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो लोग यहाँ भी बैठ के खाते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। देखो ये सब फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, ये किसी होटल का हिस्सा है। हाँ मैं इस होटल में आ चुका हूँ, ये इसका नाम है, भूल गया। ये बहुत ही अच्छा होटल है, यहाँ पे मैं बहुत नहाया था पहली बार स्विमिंग पूल में, यहाँ पर ज़्यादा नहाया था मैं, नहीं तो नहीं नहाता स्विमिंग पूल में भी आया था। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।